नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मितेश सोनी और आप देख रहे हैं M2S कार इन्फो। दोस्तों आज हमारे साथ है हुंडई की एक्स्टर जो कि अभी नई आई है ड्यूअल सिलेंडर में। इसे हाई CNG डियो कहा गया है और ये मॉडल है SX मॉडल और कलर है एटलास वाइट कलर। तो आज हम इस कार का फुल रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कार में क्या कुछ दिया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप गोधरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हुंडई में आके ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको गाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और अच्छी खासी ऑफर में आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आके आप ज़रूर चेक कीजिएगा, सारी गाड़ी आपको यहाँ पे खड़ी हुई दिखेगी, टेस्ट ड्राइव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इसकी कीज से। तो कुछ इस तरह की की दी गई है, फ्लिप की आपको ऑफर की गई है, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन और बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। सेकंड की आपको यहाँ पे मैनुअल मिलने वाली है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हुंडई का लोगो जो कि सिल्वर फिनिश में मिलेगा, ब्लैक स्ट्रिप पूरे बोनट पे, एक्स्टर की बैजिंग, नीचे आपको ग्रिल मिल जाएगी PNO ब्लैक फिनिश में, नीचे एयर डैम, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग मिल जाएगी, टोहो की प्लेसिंग। हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको यहाँ पे DRL मिल जाएंगे जो कि एच शेप में रहने वाले हैं। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलने वाली है। फॉग लैंप आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो हेडलैम्प है वही फॉग लैंप का काम करने वाले हैं। एक बार इसके वाइपर चेक कर लें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाले वाइपर्स मिल जाएंगे। वॉशर एक बार देख लें तो आपको यहाँ पे दो वॉशर मिल जाएंगे। तो यह है इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। यह है गाड़ी का साइड। सबसे पहले बात करें टायर साइज के बारे में तो यहाँ पे आपको 15 इंच के टायर्स मिलने वाले हैं। टायर साइज एक बार चेक कर ले, 175/65R15 यानी कि 15 इंच के टायर्स मिलने वाले हैं। ये जो आप यहाँ पे एलो व्हील्स की डिज़ाइन देख रहे हैं उसे स्टाइलिश व्हील्स ऑफ प्लेट कहा जाता है, यानी कि आपको लगेगा एलो व्हील्स जैसा लेकिन ये एलो व्हील्स नहीं है। आपको प्रॉपर लुक मिलेगा एलो व्हील्स वाला और ये ड्यूअल टोन दिया गया है। बाकी क्लैडिंग यहाँ से शुरू होते पूरी गाड़ी में आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी में फैली हुई है। ORVM की बात करें तो बॉडी कलर ORVM मिलने वाले हैं, टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे मिल जाएंगे, ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये मिल जाएंगे। डोर हैंडल की बात करें तो ये भी आपको बॉडी कलर मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलने वाला है। पीछे का डोर हैंडल वो भी आपको बॉडी कलर मिलने वाला है। ऊपर आपको रूफ रेल दी गई है जो कि PNO ब्लैक फिनिश में मिल जाएगी। आपको ऊपर का लुक दिखा दूँ तो यहाँ पर आप सनरूफ देख सकते हैं, सनरूफ इस मॉडल में आपको मिल जाएगा और आपको शार्क फिन एंटेना यहाँ पर मिल जाएगा जो कि PNO ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको टेक्सचर मिल जाएगा जो कि एक्स्टर में आता है। तो यह है कुछ इसका साइड। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। यह है गाड़ी का रियर। रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। वॉशर आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर नहीं मिलेगा, CNG की बैजिंग, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड की बैजिंग यानी कि इस कार में आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। स्लोपिंग रूप आप इसका देख सकते हैं। हुंडई का यहाँ पे लोगो जो कि सिल्वर फिनिश में मिलेगा और यहाँ पे पूरा बोनेट पे ब्लैक कलर का जो PNO ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग यहाँ पे दिया गया है। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाई CNG डियो की बैजिंग, एक्स्टर की बैजिंग, नीचे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, नीचे आपको बम्पर मिल जाएगा जो कि सिल्वर फिनिश में मिलने वाला है। टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिलने वाला है, एच सेप LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे। नीचे आपको टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर दिया गया है। एक बार इसका बूट है उसे ओपन कर लेते हैं जो कि यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो यह है कुछ इसका बूट। अभी इसमें ड्यूअल सिलेंडर दिया गया है तो आपको मैं यहाँ पे ऊपर करके दिखा दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं बोटल CNG का, और यहाँ से भी आपको दिखा दूँ दो बोटल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं 5 KG के, यानी कि 10 किलो गैस आप यहाँ पर डलवा पाएंगे। तो अभी इसमें ये ऑफ़र कर दिया गया तो काफ़ी सारा बूट स्पेस आपको यहाँ पर यूज़ करने को मिलेगा। बाकी जो सीटें हैं वो आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलने वाली है, हालांकि फोल्ड ये हो जाएगी। यहाँ पे अगर चेक कर ले तो आपको पंचर रिपेयर किट दिया गया है जिससे मैं आपको एक बार दिखा दूँ। टायर मोबिलिटी किट, इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे कुछ लिक्विड जैसा आपको दिया गया है और यहाँ पे पंप दिया गया है जिससे आप एयर यहाँ पे लगा इसमें डाल पाएंगे। तो यह है कुछ इसका रियर। एक बार आपको इसका फ्यूल कैप है उसकी कैपेसिटी भी बता दूं, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको दी गई है, 37 लीटर पेट्रोल आप यहाँ पे डलवा पाएंगे। तो यह है कुछ इसका रियर। अभी हम चलेंगे गाड़ी के आगे की तरफ। यह है गाड़ी का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर दिया गया है। डोर इन अनलॉक आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ सभी जगह पे। यहाँ पे ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो का अप एंड डाउन बटन, ड्राइवर साइड आपको वन टच डाउन मिल जाएगा,
यहाँ पे मिरर लॉक जो विंडो है उसे लॉक करने का बटन दिया गया है। यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे, नीचे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है। स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। इस कार में आपको 6-4 स्पीकर यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसकी ऑडियो क्वालिटी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। एक बार सीटिंग पोजीशनिंग देख ले, कुछ इस तरह की सीटिंग पोजीशनिंग है। सीट्स एक बार चेक कर ले तो आपको यहाँ पे सेमी लेदर सीटें मिलने वाली है। यहाँ पे लेदर का यूज़ किया गया है, यहाँ पे फैब्रिक। कंफर्ट देखे तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंफर्ट वाली सीटें मिल जाएगी। नीचे आपको यहाँ पे आप रिक्लाइन, हाइट एडजस्टमेंट और स्लाइडिंग तीनों मिल जाएगा। तो अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले बात करें स्टेयरिंग व्हील के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, जो कि टिल्ट रहेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सारे ऑडियो माउंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, हुंडई का लोगो, हॉर्न की प्लेसिंग, एयरबैग की प्लेसिंग, 6 एयरबैग मिल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे जो इसका क्लस्टर है उसे कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे सिल्वर एसेंट का यूज़, वाइपर्स के कंट्रोल, हेडलाइट्स के कंट्रोल दोनों ही आपको मैनुअल मिलने वाले हैं। एक बार जो इसका क्लस्टर है उसे हम ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से इसे की डाल के हम ऑन कर लेते हैं। तो क्लस्टर ऑन हो चुका है। यहाँ पे एसी को मैं यहाँ पे एक बार ऑफ कर दूँ तो आपको कुछ इस तरह का क्लस्टर मिलने वाला है। 10 इंच का यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी इस डोर को हम क्लोज़ कर देते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ पे करेगा। ये डोर को मैंने क्लोज़ कर दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पीड वगैरह शो करेगा, पेट्रोल कितना है वो शो करेगा, सब कुछ डिजिटली शो करेगा। यहाँ पे RPM मीटर दिया गया है, CNG या पेट्रोल में है कार वो शो करेगा। बाकी यहाँ पे CNG कितना फ्यूल है वो शो करेगा, डिस्टेंस टू MT वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करने वाला है। तो इस कार में आपको डायरेक्ट CNG पे ये कार ऑन नहीं होगी, पेट्रोल पे ऑन होगी और उसके बाद CNG में स्विच करने वाली है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे AC दिया गया है, जो कि आपको सर्कुलर मिलने वाला है। कुछ इस तरह का ये कंट्रोल दिया गया है, ऐसे आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी सिल्वर एसेंट का यूज़, नीचे आपको बटन्स दिए गए वो भी देख ले, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, पेट्रोल CNG स्विच करने का बटन और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर दिया गया है। नीचे एक बार चेक कर ले तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। 3 पेडल्स आप देख सकते हैं, तो मैनुअल कार है। बाकी हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे ये दिया गया है, जो फ्यूल कैप ओपन करने के लिए है वो यहाँ पे दिया गया है बटन। सेंटर की बात करें तो एक बार डैशबोर्ड की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। क्वालिटी अच्छी वाली दी गई है। सेंटर में देखें तो आपको यहाँ पे 8 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली है, जिसकी क्वालिटी हम देख लेते हैं। तो एक बार सेटिंग में जाके देखते हैं तो टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा वाला दिया गया है। काफ़ी मिनिमल ये जो इनका UI है वो काफ़ी मिनिमल है, इसे थोड़ा सा अगर फैंसी किया जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी UI काफ़ी मिनिमल है और ये लैगी नहीं है। बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, जो कि वायर्ड रहेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा। यहाँ आप इसे बटन से भी कंट्रोल कर पाएंगे और PNO ब्लैक फिनिश का यूज़ यहाँ पे किया गया है। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक कर लेते हैं, तो यह है कुछ इसका क्वालिटी कैमरा की। साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पीछे से ये थोड़ा साउंड करेगा। बाकी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट इनअप कहना चाहूँगा। रात को थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे आपको 2 AC के वेंट, 1 AC के वेंट यहाँ पे दिया गया है और ये आपको सर्कुलर नहीं मिलेगा, 2 आपको आजू बाजू के सर्कुलर मिलने वाले हैं। यहाँ पे हेजर्ड लैंप का बटन, नीचे AC दिया गया है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल वाला है, यानी कि ऑटो AC मिल जाएगा। यहाँ पे AC का फैन एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए दिया गया और बाकी सारे बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे आपको देखे तो चार्जर्स दिए गए हैं, Type-C दिया गया है, 12 वाट का चार्जर दिया गया है और यहाँ पे USB Type-A दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, फ़ोन अपना रख पाएंगे। यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेदर इट दिया गया है और यहाँ पे भी आपको सिल्वर एसेंट का यूज़ मिलेगा। कप होल्डर दिया गया है, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे भी कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे। हैंड ब्रेक, ग्लोबॉक्स एक बार चेक कर ले तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्लोबॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पे डिसेंट इनफ यहाँ पे ग्लोबॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे भी स्पेस दी गई है, तो कुछ सामान आप यहाँ पे भी रख पाएंगे। बाकी कलर आप देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर जैसा दिया गया है। अभी IRVM की बात करें तो ये आपको डे एंड नाइट IRVM दिया गया है। रीडिंग लैंप आपको येलो कलर में मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ से सनरूफ ओपन हो जाएगा, जिसे एक बार ओपन करके देख लेते हैं तो 1 टच ही ओपन हो जाएगा, तो कुछ इतना आपको यहाँ पे सनरूफ मिलेगा, ये इतना ओपन होता है। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं तो 1 टच ये क्लोज़ भी हो जाएगा, तो ये अभी क्लोज़ हो चुका है और इसे आपको मैन्युअली क्लोज़ करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे माइक दिया गया है,
एक बार वैनिटी मिरर चेक कर ले तो आपको कोई ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था कुछ इसका फ्रंट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ, लेकिन उससे पहले ये मेरी जो हाइट है उस हिसाब से इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है सीट को, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मेजर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे कितनी पीछे स्पेस मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। यह है कुछ इसका पीछे का डोर। यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक कलर मिलने वाला है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ सभी जगह पे, डोर अनलॉक हैंडल ब्लैक कलर में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस, कॉइन्स वगैरह रख पाएंगे, विंडो पावर पावर विंडो अप एंड डाउन का बटन, नीचे आपको वन लीटर बॉटल रखने की स्पेस, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है बाकी स्पीकर की प्लेसिंग। एक बार सीटिंग पोजिशनिंग देख ले तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे सीटिंग पोजिशनिंग मिलने वाली है। अभी अंदर चल के चेक कर लेते हैं लेगरूम हेडरूम वगैरह कितना मिलता है। तो लेगरूम आपको कुछ इतना मिलने वाला है, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वाला लेगरूम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, फैल के मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। थाई सपोर्ट देखिए तो आपको यहाँ पे रिसेंट इनफ थाई सपोर्ट मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे लग रहा है, थाई सपोर्ट रिसेंट इनफ आपको मिल जाएगा। एक बार हेडरूम देख तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेडरूम काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया हेडरूम, 6 फीट का बंदा भी यहाँ पे आराम से सेट हो जाएगा। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाएगा, 12 वाट का चार्जर मिल जाएगा जिसे आप यहाँ से एसी को एडजस्ट कर पाएंगे। हम्प आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा, ये हम्प इतना आपको ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। बाकी आगे आपको फिक्स्ड एड्रेस मिल जाएंगे दोनों तरफ, पीछे की तरफ आपको एडजस्टेबल दो एड्रेस मिल जाएंगे। सीट बेल्ट देखिए तो यहाँ पे आपको 1, 2 और यहाँ पे 3, तो आपको 3 सीट बेल्ट मिल जाएंगे। आइसोफिक्स माउंट्स आपको मिल जाएंगे दोनों तरफ, तो आपको दोनों तरफ आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे। बाकी पीछे से एक बार व्यू देख ले तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। पीछे से आप बूट इसका एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको 1, आगे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपको हुक के साथ मिलेगा, बाकी दोनों साइड आपको हुक नहीं मिलेगा। सेंटर में आपको रीडिंग लैंप मिल जाएगा जो कि येलो कलर में रहने वाला है। तो यह है कुछ इसका रियर। अभी हम चलेंगे गाड़ी के आगे की तरफ और चेक करेंगे इसकी ऑडियो क्वालिटी। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। इसमें आपको 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाएगा जिसे मैं प्ले कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपने सुना इसमें साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट इनफ है, इसे मैं 7.5/10 ज़रूर देना चाहूँगा। अब है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले बात करें वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल CNG इंजन मिल जाएगा जो कि 4 सिलेंडर रहने वाला है। पावर की बात करें तो ये कार CNG में आपको 67 BHP की पावर और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगी। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसका माइलेज 27.1 KMPL का क्लेम करती है जो कि कंपनी क्लेम करती है, बाकी ड्राइवर के हिसाब से वेरी करेगा। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सोरूम प्राइस है 9,23,000 रुपये यानी कि 9,23,000 रुपीज़, और इसकी ऑनरोड प्राइस रहेगी 10,73,000 रुपीज़ यानी कि 10,73,000 रुपये जो कि शोरूम के हिसाब से वेरी करेगी। तो आपको यहाँ पर शोरूम पर आना होगा, आपको अच्छी प्राइस यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एक्स्ट्रा का क्रैश टेस्ट अभी नहीं किया गया है, लेकिन हम एक बार इसका फेंडर का नॉइज़ और इसका जो डोर का थर्ड है वो चेक कर लेते हैं। तो यह है इसका फेंडर का नॉइज़ और एक बार इसका डोर का थर्ड देख लेते हैं। तो उस हिसाब से आप अभी जज कीजिएगा इसकी बिल्ड क्वालिटी, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको कितने स्टार मिलेंगे। तो ये थी एक्स्टर, मॉडल था SX हाई CNG डियो जो कि नई अभी आई है, और कलर था एटलास वाइट कलर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।